चलिए दोस्तों, आज शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर के एमसीक्यू। और हर एक क्वेश्चन को आप डिटेल में डिस्कस करेंगे, सिर्फ आंसर ही नहीं करेंगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी पूरे कंसेप्ट है वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कोशिश करूंगा कि हर एक क्वेश्चन से आपको पूरा कंप्यूटर एक बार रिवाइज करवा दूँ, ठीक है? चलिए, आप सुनते चलिएगा सारी बातें, इनको डिटेल में डिस्कस करना है अपने को एक एक करके। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटिंग। चाहे आपको ये मिल जाए कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, चाहे आपको ये मिल जाए कि कंप्यूटिंग का पिता किसे कहा जाता है। बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम में भी हिंदी मीडियम में भी है। कंप्यूटिंग करने के लिए जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर आएगा चार्ल्स बेबेज। इसका आंसर आएगा चार्ल्स बेबेज। इसी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं वो देखिए आप लोग। अगर आपसे ये पूछ ले कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो आप बोलोगे चार्ल्स बेबेज। ये आप मेरे साथ साथ नोट कर लीजिएगा कहीं पे भी, चार्ल्स बेबेज। अगर आपसे ये पूछ ले कि फादर ऑफ कंप्यूटिंग किसे कहते हैं, तब भी दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, चार्ल्स बेबेज। अगर आपसे ये पूछ ले कि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एलन ट्यूरिंग। अगर आपसे यूं कह दे कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, एलन ट्यूरिंग। अगर आपसे ये पूछ ले कि फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा वो होगा हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट, ये क्वेश्चन बनते हैं हमारे यहां से। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटिंग चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग, फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। ठीक है, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो अपने को सिर्फ कंप्यूटर नहीं देखना, पूरा पढ़ना है कि वो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, नोट कर लिया होगा आई थिंक आपने, तो इसका आंसर क्या हो गया, चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। अभी बताया फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन था, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर था एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग इसमें ऑप्शन नहीं है, मिसप्रिंट है, यहां पे एलन ट्यूरिंग लिख लेना। ठीक है, मान लो इसको इरेज कर देता हूं एक बार, एलन ट्यूरिंग लिख देते हैं यहां पे एक ऑप्शन। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, एलन ट्यूरिंग, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जनरेशन से क्वेश्चन आने के चांसेस काफी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है अपना, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1955 टू 1964 वर मेड ऑफ। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस चीज से बने होते थे, तो ये मैं आपको पूरे टेबल दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं जनरेशन की। देखिए, ये हमें पता है कि पांच प्रकार की जनरेशन है ना, पांच जनरेशन थी टोटल, सीधा लिख देता हूं, फर्स्ट, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। एक तो इनकी आती है डेट, इनकी हमसे डेट पूछते हैं कि कौन सी पीढ़ी कौन सी जनरेशन में, मतलब कौन सी पीढ़ी की डेट क्या थी, 1946 से 1959, 1959 से 1965, 1965 से 1971, 1971 से 1980 और 1980 से लेके प्रेजेंट तक, यानी फिलहाल कौन सी जनरेशन चल रही है, पांचवी जनरेशन चल रही है।
दूसरी चीज हमसे पूछ सकता है कि हर एक पीढ़ी के अंदर किसका इस्तेमाल हुआ। पहली पीढ़ी के अंदर इस्तेमाल हुआ वैक्यूम ट्यूब्स का। अब पहले वाली पीढ़ी अगर टी पे खत्म हो रही है ना, दूसरी वाली टी से शुरू होगी, ट्रांजिस्टर्स का। फिर आया आईसी, आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। और चौथी पीढ़ी में आया वीएलएसआई, वीएलएसआई का मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और पांचवी पीढ़ी में आया यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगर आपसे ये पूछ ले कि कौन सी पीढ़ी में कौन सी भाषा आई, तो पहली पीढ़ी में तो आई बाइनरी भाषा, पहली पीढ़ी के अंदर आई बाइनरी भाषा। और बाइनरी भाषा को ही हम लोग बोलते हैं मशीनी लैंग्वेज। दूसरी पीढ़ी के अंदर आई असेंबली लैंग्वेज और तीसरी पीढ़ी के अंदर आई हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, ये हमारी जनरेशन थी। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सेकंड जनरेशन वो किस चीज से मिलकर बनी थी, पहले वाला वैक्यूम ट्यूब, दूसरे वाला ट्रांजिस्टर। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, ये स्टैटिक क्वेश्चन है। हु डिजाइंड द फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर इन इंडिया, भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने अभिकल्प किया, डिजाइन किया? तो इसका आंसर है ये, समरेंद्र कुमार मित्रा। पहला एनालॉग कंप्यूटर बनाया समरेंद्र कुमार मित्रा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन में इस्तेमाल हुई? अभी बताया, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ट्रांजिस्टर कंप्यूटर। अब ना ऐसे क्वेश्चन ना ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इसने ना लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा दी इस क्वेश्चन की, कि ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है। तो हमें एक बात पता है कि जो ट्रांजिस्टर है वो दूसरी पीढ़ी में आया था। तो देखो कहां लिख रखा है, ये रहा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एरा फ्रॉम 1965 टू 1975, 1965 से 1975 तक का युग कौन सा युग था, थर्ड जनरेशन। क्योंकि पहली क्या थी 46 से 59, दूसरी 59 से 65, तीसरी 65 से 71। तो ये वाला इससे मैच कर रहा है, 65 से 71। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड जनरेशन में किस चीज का इस्तेमाल किया गया, आईसी का। आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब इसके बारे में जान लेते हैं आप क्या होता है। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का आविष्कार 1958 में किया गया जेएस किल्बी के द्वारा, जहां जे का मतलब पेपर में जैक भी मिल सकता है। और एक बंदा और भी था इसने जिसकी मदद की, उसका नाम था रॉबर्ट नॉइस। रॉबर्ट नॉइस, जो आईसी है वो सेमीकंडक्टर की बनी होती है। सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, अर्धचालक कौन सा अर्धचालक होता है, सिलिकन। अगर सिलिकन ऑप्शन में ना मिले तो कौन सा मिलेगा आपको, जर्मेनियम। ये है कुछ आईसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कि आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, 1958 में बनी, जेएस किल्बी ने रॉबर्ट नॉइस की मदद के साथ बनाया, जे का मतलब जैक, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक बनी होती है सिलिकन या फिर जर्मेनियम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी डू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का यूज किया गया था। ये तो आपने कर लिया ना अभी, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट, सीपीयू, जो सीपीयू शेड्यूलर होता है उसका अन्य नाम क्या होता है,
ये आपके लिए एक नई चीज है जानने को, सीपीयू शेड्यूलर का दूसरा नाम क्या है, तो इसका आंसर होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। सीपीयू शेड्यूलर को शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी कहते हैं। क्या होता है समझो, जब मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था ना, तो वहां पे मैंने आपको प्रोसेस लाइफ साइकिल करवाई थी, उसमें मैंने क्या बोला था कि न्यू प्रोसेस क्या होगा, नई प्रोसेस बनेगी, ठीक है, फिर यहां क्या होगा, एक रेडी स्टेट था जहां प्रोसेस वेट करती है कि कब सीपीयू आए और मेरे को लेके जाए, और फिर क्या हो जाता है वो रनिंग स्टेट में चला जाता है, अगर कोई रुकावट आती है तो वो किस में आ जाता है, वेटिंग स्टेट में, और जब वो खत्म हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो एंड हो जाता है, टर्मिनेट भी बोल सकते हैं हम इसको, टर्मिनेट। ये पांच स्टेट होती है किसी भी प्रोसेस की, ठीक है, न्यू से रेडी, रेडी से रनिंग, अगर कंप्लीट हो जाए तो एंड, नहीं तो वेटिंग, वेटिंग से फिर से रेडी। तो जब रेडी क्यू होती है ना, रेडी क्यू, मान लो उसमें बहुत सारी प्रोसेस लाइन में लगी हुई है, बहुत सारी प्रोसेस हैं, मान लो एक P1 है, एक P2 है, एक P3 है, एक P4 है, एक P5 है, ऐसी बहुत सारी प्रोसेस लाइन में लगी है कि सीपीयू आएगा और मेरे को ले जाएगा। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रोसेस को पहले लेके जाना है, जरूरी नहीं है कि जिसका नाम P1 है वो पहले जाए, बहुत सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है, तो जो इसको डिसाइड करेगा कि कौन सी एल्गोरिथम को पहले शेड्यूल करना है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीपीयू शेड्यूलर। समझ में आ गया आपको सीपीयू शेड्यूलर का काम, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू में क्या क्या होता है, तो आपने को तीन चीजें बताई है, पता है, एक तो होता है ALU, सीपीयू में क्या होता है ALU, दूसरा क्या होता है दोस्तों CU, और तीसरा क्या होता है MU, बट क्या चार ऑप्शन में आपको कुछ दिख रहा है ऐसा कुछ कहीं पे भी, आपको कौन कोई भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा, मिल रहा है क्या कहीं पे, यहां पे ALU है और रजिस्टर है, ये तो बात अधूरी हो गई, यहां पे ALU है, CU है और रजिस्टर है, यानी ALU दे दिया, CU दे दिया और MU की जगह क्या लिख दिया, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों है सही, देखो मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था, कल भी बताया था वो चार्ट, कि जो MU होता है ना, मेमोरी यूनिट, वो किससे मिलके बनती है, बहुत सारे रजिस्टर से मिलके बनती है, तो भैया अगर MU बहुत सारे रजिस्टर से मिलके बन रही है, तो क्या मैं MU की जगह रजिस्टर नहीं लिख सकता ऑप्शन में, और रजिस्टर किससे मिलके बनती है, बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स, और फ्लिप फ्लॉप किससे मिलके बनता है, लॉजिक गेट, ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, तो उसका आंसर क्या हो गया, ALU, CU और रजिस्टर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये कहता है, विच यूनिट ऑफ द कंप्यूटर इज कंसिडर्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सीपीयू, इसी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो अगर आपको यूं कह दे कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा सीपीयू, अगर आपको कह दे कि कंप्यूटर का दिल किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ALU, लेकिन अगर ALU ऑप्शन में ना मिले तो अपने को क्या टिक करके आना है, सीपीयू, अगर इकट्ठा दे दे कि ब्रेन एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, सीपीयू को कहा जाता है, अगर आपको कह दे कि बैकबोन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी कौन होता है, मदरबोर्ड, अगर आपको कह दे कि कंप्यूटर की सोल यानी आत्मा किसे कहा जाता है, हार्ट, ये हो गया सोल, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है यहां तक, आगे देखो, अगर आपको दोनों वर्ड एक साथ दे दे, हार्ट एंड सोल,
तो इसका आंसर आएगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, H फॉर हार्ट, H फॉर हार्डवेयर, S फॉर सोल एंड S फॉर सॉफ्टवेयर। अगर आपको यूं कह दे कि कंप्यूटर का सुपरवाइजर किसे कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट को, अगर आपको यूं कह दे कि कंप्यूटर का नर्वस या नर्व, दोनों में से कुछ भी दे सकता है, नर्वस या नर्व सिस्टम किसे कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे? कंट्रोल यूनिट, क्योंकि इन दोनों का काम क्या होता है? कंट्रोल करना, नर्वस सिस्टम का भी और सुपरवाइजर का भी। और कंप्यूटर में काम किसका होता है कंट्रोल करने का? कंट्रोल यूनिट का। कोई दिक्कत है यहां तक? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर? जो भी हमारा सीपीयू है उसका पार्ट कौन सा है? माउस नहीं है, स्कैनर नहीं है, जॉयस्टिक नहीं है, एमयू होता है। क्लियर है? इसका आंसर क्या आ गया? एमयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की जो स्पीड है वो किसमें मापी जाती है? सीपीयू की स्पीड को हमेशा मापा जाता है हर्ट्ज में, और उसकी प्रॉपर यूनिट क्या होती है? अगर आपसे पूछे कि जो सीपीयू है उसकी स्पीड मापने की इकाई क्या है, यूनिट क्या है, तो उसका आंसर होता है गीगा हर्ट्ज। अगर गीगा हर्ट्ज ऑप्शन में ना हो तो उसका आंसर होगा मेगा हर्ट्ज। ये दोनों आंसर होते हैं, ठीक है? पर ऑप्शन में अपने को ना तो गीगा दे रखा ना ही मेगा दे रखा, पर हर्ट्ज तो दे रखा है ना, तो आप उसके साथ चले जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इन अ कंप्यूटर विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डाटा एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? इसका आंसर तो बड़ा आसान सा है कि डाटा को प्रोसेस कौन करता है और कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी इकाई डाटा संसाधन प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होती है तथा कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क के नाम से भी जानी जाती है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर? यहां से समझ लो, ये क्या है अपना सीपीयू, बाहर कौन होगा? यूजर। यूजर होता है जो कंप्यूटर को यूज करता है। यूजर क्या देगा? डेटा। जो कंप्यूटर को बाहर से मिलता है वो सब क्या होता है? डेटा। डेटा का मतलब ही क्या है? रो फिगर्स एंड फैक्ट्स। डेटा की छोटी सी डेफिनेशन है बिल्कुल, रो फिगर्स एंड फैक्ट्स। और जो यूजर है वो डाटा किसकी सहायता से देगा? इनपुट डिवाइस की सहायता से। किसकी सहायता से? इनपुट डिवाइस की सहायता से। अब ये क्या करेगा? सीपीयू इस डाटा को प्रोसेस कर देगा, और प्रोसेस करके यूजर को जो मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। उसको हम कहते हैं, इंफॉर्मेशन को कहा जाता है सूचना, और डाटा को कहा जाता है आंकड़े। और इंफॉर्मेशन किसकी सहायता से मिलेगी? आउटपुट डिवाइस की सहायता से। एक क्वेश्चन और आता है कि यूजर को समझ में आने वाली भाषा को, या फिर इंसान को समझ में आने वाली भाषा को, कंप्यूटर को समझ में आने वाली भाषा में कौन परिवर्तित करेगा? इनपुट। दूसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर को समझ में आने वाली भाषा को इंसान को समझ में आने वाली भाषा में कौन कन्वर्ट करेगा? आउटपुट। दूसरा क्वेश्चन, अगर यूजर को कंप्यूटर के साथ बातचीत करनी है तो किसकी सहायता से करेगा? इनपुट की सहायता से। अगर इसका उल्टा कर दूं, अगर कंप्यूटर को यूजर से बातचीत करनी है तो किसकी सहायता से करेगा? आउटपुट की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस? प्रिंटर तो आउटपुट है, हेडफोन क्या है? आउटपुट है। मॉनिटर क्या है? आउटपुट है। स्कैनर क्या होता है? इनपुट। और स्कैनर का काम क्या होता है? हार्ड कॉपी को लेगा और उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देगा। और सॉफ्ट कॉपी का ही दूसरा नाम क्या होता है? डिजिटल कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का ही अन्य नाम क्या होगा? डिजिटल कॉपी। कोई डाउट है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस दैट यूटिलाइजेस लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन? इतना पढ़ते ही आंसर समझ में आ गया। अब एक बात बताओ यार, ये एक डिस्प्ले, एक स्क्रीन है, इसके ऊपर मैं कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूं, किसकी सहायता से कर रहा हूं? इसकी सहायता से कर रहा हूं ना, लाइट पेन की सहायता से। इसको लाइट पेन भी बोलते हैं और इसको स्टाइलस भी बोलते हैं। तो देखो कहीं ऑप्शन में लाइट पेन या स्टाइलस पेन है क्या? ये रहा ऑप्शन नंबर बी, लाइट पेन। तो जो भी आपका डिजिटल बोर्ड है, स्क्रीन है, डिस्प्ले है, अगर हमें कुछ भी उसके ऊपर सेलेक्ट करना है, अगर कुछ भी हमें उसके ऊपर ड्रॉ करना है, कुछ भी हमें उसके ऊपर लिखना है, तो वो किसकी सहायता से होगा? लाइट पेन। और लाइट पेन को ही क्या कहा जाता है? स्टाइलस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज फोरट्रान। जो पहली प्रोग्रामिंग भाषा थी वो कौन सी थी? कॉमर्शियली फोरट्रान। और फोरट्रान के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में? दो ही क्वेश्चन बनेंगे। पहला, फोरट्रान की फुल फॉर्म, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। दूसरा, फोरट्रान का इस्तेमाल कब किया जाता है? फोरट्रान का इस्तेमाल किया जाता है न्यूमेरिक कैलकुलेशंस में या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में या फिर साइंटिफिक कैलकुलेशंस में। नोट करो जी यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये भी पूछ सकता आपकी फोरट्रान भाषा किसने बनाई थी? जॉन बेकस ने बनाई थी। आगे आ जाएगा क्वेश्चन, देख लेते हैं। ये रहा, हु क्रिएटेड फोरट्रान द फर्स्ट हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जॉन बेकस। फोरट्रान ये लिख लो, फोरट्रान का आविष्कार किसने किया था? जॉन बेकस ने किया था। जॉन बेकस। नेक्स्ट, पाइथन क्या है? पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषा। पाइथन का आविष्कार किसने किया था? गुइडो वैन रोजम ने। पाइथन का आविष्कार किसने किया? गुइडो वैन रोजम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द
कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? डॉगलस एंगल बर्ट ने। डॉगलस एंगल बर्ट ने। माउस के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? माउस के ये क्वेश्चन बनेंगे कि माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस एक कर्सर कंट्रोल डिवाइस है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है। गायरोस्कोप का इस्तेमाल माउस में किया जाता है। माउस का आविष्कार डॉगलस एंगल बर्ट ने किया था। और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? माउस के अंदर तीन बटन होते हैं। माउस के अंदर तीन बटन हैं। ये होता है लेफ्ट बटन जो सबसे ज्यादा यूज होता है। ये होता है राइट बटन। राइट बटन से आप क्या यूज कर सकते हैं? मेन्यू ओपन कर सकते हैं। इसके जो बीच में होता है उसको बोलते हैं स्क्रॉल बटन या स्क्रॉल व्हील भी बोल सकते हो। लेफ्ट बटन से आपको कुछ भी ओपन करना है, कुछ भी सेलेक्ट करना है, कुछ भी मूव करना है, ये हम कर सकते हैं। जो पुराने जमाने में माउस आते थे वो होते थे मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस में रबड़ बॉल का इस्तेमाल किया जाता था। जो हम लोग अब इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में लाइट या फिर लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। लाइट या फिर लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है? लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। कौन से कलर की लेजर का इस्तेमाल होता है? रेड कलर की लेजर का इस्तेमाल होता है। ये होती है लेजर की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोल दिया इसने? प्रचलन यंत्र। और मैंने एक चीज बताई थी आपको कि कोई भी काम आ जाए वो सारे के सारे काम कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। और मैंने ऐसा कुछ लिखवाया था डिवाइस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। प्रोसेसर मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। परफॉर्मेंस कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या लिख रखा है। ऑप्शन में बोल रहा है कि मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, प्रोसेसर मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस आ गया ना, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। क्लियर है? ये सारे के सारे काम कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी दैट कैन स्पीड अप द कंप्यूटर। सिर्फ इतनी सी बात देख के ही हमें आंसर पता लग गया कि इसका आंसर है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी। तो ऑप्शन चेक करें। ऑप्शन
ये रहा कैश मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी के क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं देखो, कैश मेमोरी के क्वेश्चंस कैश मेमोरी को हिडन मेमोरी भी कहते हैं, कैश मेमोरी को टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। कैश मेमोरी का काम क्या होता है, ये होती कहाँ पे है, ये सीपीयू और रैम के बीच में होती है। यह सीपीयू की या कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा देती है, असेस टाइम को घटा देती है। किस चीज की बनी होती है, अर्धचालक की बनी होती है। अगर आपसे यूं पूछ ले कि कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो इसका आंसर होता है रजिस्टर। अगर रजिस्टर ऑप्शन में ना हो तब क्या करके आना है, कैश मेमोरी फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंटेक्स एरर आर डिटरमाइंड बाय, ये मैं करवाऊंगा आपको टाइप्स ऑफ एरर। अभी के इतना समझो कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग भाषा लिख रहे हो, कुछ भी प्रोग्राम लिखा आपने, उसमें कोई भी एरर आता है सिंटेक्स में, आपने लिखने में गलती कर दी, तो वो या तो बताएगा कंपाइलर या बताएगा इंटरप्रेटर। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, इंटरप्रेटर, ठीक है। इसकी कुछ वो कैब करवा देता हूं कंप्यूटर की तुम्हें। एक होता है बग, बग का मतलब होता है एरर, ठीक है, कंप्यूटर में होता है बग, बग को क्या बोला जाता है, एरर। फिर आता है डीबग, डीबग का मतलब होता है टू फाइंड एरर, टू फाइंड एरर। और कई की बार है ना, टू फाइंड एरर को टेस्टिंग भी बोल देते हैं। एक काम करो ऐसे लिख लो, डीबग का मतलब हुआ टू फाइंड एरर एंड टू रिमूव इट, एरर को ढूंढ के रिमूव कर देना क्या कहलाएगा, डीबग। अगर कई की बार ऐसे पूछ ले कि टेस्टिंग किसे कहते हैं, तो टेस्टिंग का मतलब होता है टू फाइंड एरर, एरर को ढूंढने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, टेस्टिंग। क्लियर है। अगर आपके सॉफ्टवेयर में कभी कोई दिक्कत आ जाए तो उसके लिए हमारे पास पैच सॉफ्टवेयर होते हैं ताकि उनको ठीक कर दें। पैच सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर में दिक्कत आई तो उनको ठीक करने के लिए, इसलिए पैच सॉफ्टवेयर को डॉक्टर ऑफ सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। पैच सॉफ्टवेयर को डॉक्टर ऑफ सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्लियर, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ लैंग्वेज यूज टू कंट्रोल द टास्क ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ सच एज स्टार्टिंग अदर प्रोग्राम्स, इसका आंसर है कमांड लैंग्वेज। हमें लगता है कि इसका आंसर मशीन लैंग्वेज है। जब हम लोग है ना कंप्यूटर को जॉब्स दे देते हैं, अलग अलग काम दे देते हैं, तो उनको अंदर के अंदर कंट्रोल करने के लिए उसको कमांड लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था ना, तो मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर मशीन लैंग्वेज करके आए थे। इसका सही आंसर है कमांड लैंग्वेज। अगर बाय चांस ऑप्शन में कमांड लैंग्वेज हटा दो, तब आपको कौन से पे जाना पड़ेगा, मशीन लैंग्वेज पे। क्वेश्चन नंबर 26, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय अ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज, ये कह रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो सीपीयू चला रहा है, सीपीयू को कौन सी भाषा समझ में आती है, मशीन लैंग्वेज। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, मशीन लैंग्वेज। यहां से कौन से क्वेश्चन बने, अगर आपसे पूछ ले कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर तो होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स,
बहुत सारे प्रोग्राम का समूह, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम क्या होता है? बहुत सारे निर्देशों का समूह, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बहुत सारे निर्देशों का समूह क्या कहलाएगा? जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम कभी टच नहीं कर सकते, इसलिए सॉफ्टवेयर क्या होगा? टेंजिबल। इसलिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है? टेंजिबल होता है। जो सॉफ्टवेयर है इनटेंजिबल, जिसको टच नहीं कर सकते, जिसको टच नहीं कर सकते वो क्या होगा? इनटेंजिबल। हार्डवेयर को हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको टच कर पाए वो क्या होगा? टेंजिबल। और जिसको टच कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल। तो हार्डवेयर क्या होगा? फिजिकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? कंप्यूटर की मेमोरी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किस कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शंस को कैसे प्रतिक्रिया देना है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये कंप्यूटर की मेमोरी को, एएलयू को और इनपुट आउटपुट को बता रहा है कि तुम्हें क्या काम करना है, कैसे करना है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इसलिए तो इसको सुपरवाइजर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 28। प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक डैश शामिल होता है। हमें पता है प्रोसेसर का मतलब क्या हो गया? सीपीयू। और सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है? एएलयू होता है, सीयू होता है और एमयू होता है। अगर दो इंपॉर्टेंट पिक करने हो तो कौन से होंगे? ALU और CU। तो इसने एक तो दे दिया कंट्रोल यूनिट, तो दूसरा कौन सा बच गया? ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। जो ALU होता है ना, ALU के दो काम होते हैं। A का मतलब तो होगा अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे वो ये कर देगा, प्लस करना है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। L का मतलब होता है लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, तार्किक ऑपरेशन, हिंदी में कहा जाता है तार्किक। और लॉजिकल ऑपरेशन का काम ही क्या होता है? टू कंपेयर वैल्यूज, टू कंपेयर वैल्यूज, वैल्यूज की तुलना करना, यह किसका काम है? एएलयू का। क्लियर? एएलयू को फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। एएलयू को फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन आईटी नेटवर्किंग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन फिजिकल लेयर। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों की सूची में कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत में किया जाता है? इसके लिए हमें कौन से आना पड़ेगा? OSI मॉडल पे। OSI मॉडल, OSI का मतलब क्या था? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI का मतलब था ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI को किसने बनाया? उल्टा पढ़ना होता है। OSI को ISO ने बनाया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। कब बनाया? 1984 में बनाया। OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है? 7 लेयर्स होती है। OSI मॉडल कैसा मॉडल है? एक रेफरेंस मॉडल है। OSI मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है। ठीक है, इसके अंदर 7 लेयर कौन सी होती है? फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और लास्ट में आएगी एप्लीकेशन लेयर।
ये सात लेयर होती है, ऊपर वाली तीन लेयर को सॉफ्टवेयर लेयर कहा जाता है, अपर लेयर कहा जाता है, नीचे वाली तीन लेयर को हार्डवेयर लेयर कहा जाता है। सबसे टॉप मोस्ट अपर मोस्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर होती है, सबसे लोअर मोस्ट लेयर ये फिजिकल लेयर होती है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेंगे, वो आपको कोई डिवाइस दे देगा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ये तीन कि फिजिकल लेयर में कौन से डिवाइस होंगे। कल जो आपका टेस्ट आपका तो नहीं हुआ था, दूसरे बैच का हुआ था, उसमें क्वेश्चन भी आए थे कि फिजिकल लेयर में कौन से डिवाइस हैं, डाटा लिंक में कौन से डिवाइस है, नेटवर्क में कौन से डिवाइस है। तो ये अपने को याद रखने हैं। फिजिकल लेयर के लिए मैंने क्या वर्ड याद रखवाया था आपको, हराम, HRM, H का मतलब हब, उसके बाद में था रिपीटर और उसके बाद था मोडम, ठीक है। डाटा लिंक में ब्रिज और स्विच, नेटवर्क के अंदर राउटर, ये। और इन सभी में अगर बाई चांस गलती से कभी भी पूछ भी ले वो, तो कौन सा टिक कराना, गेटवे, ठीक है। फिजिकल लेयर में हब, रिपीटर और मॉडम, डाटा लिंक में ब्रिज और स्विच, नेटवर्क में राउटर और बचे हुए ऊपर चारों के अंदर गेटवे। क्लियर? क्वेश्चन क्या पूछा इसने, फिजिकल लेयर में कौन सा है, अभी तो पढ़ा रिपीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउटर कौन सी लेयर में होता है, नेटवर्किंग लेयर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं, ये भी बताया था मैंने कुछ देर पहले ही कि यूजर क्या देगा, डेटा, डेटा किसके पास जाएगा, सीपीयू इसको क्या बना देगा, इंफॉर्मेशन, सूचना। आंकड़ों को प्रोसेस करके किस में परिवर्तित किया जाता है, सूचना में। तो इसका मतलब प्रोसेस्ड डाटा को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, प्रोसेस्ड डाटा को इंफॉर्मेशन यानी जानकारी या फिर सूचना कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग दैट परफॉर्म कंप्यूटेशन, स्टोरेज, इवन एप्लीकेशन एज अ सर्विस अक्रॉस अ नेटवर्क। इसका आंसर होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड का मतलब विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, और कंप्यूटिंग में सब कुछ आ गया। आप ऐसे समझो इसको कि ये बहुत सारे कंप्यूटर हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनको किसी भी रिसोर्स की जरूरत है, अब इनको किसी भी सर्विस की जरूरत है। मान लो इनको ना वो चाहिए स्पेस, अपन तक अपनी पिक्चर अपलोड कर देते हैं ड्राइव वगैरह पे, तो इन सभी कंप्यूटर को यहाँ से कुछ भी चाहिए, सर्विस चाहिए, कोई भी स्पेस चाहिए, कोई भी रिसोर्स चाहिए, तो है तो सब इंटरनेट से जुड़े हुए। इस पूरे को क्या बोला जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग, जब एक से अधिक डिवाइस नेटवर्क में एक दूसरे के साथ जुड़ी हो रिसोर्स की प्राप्ति के लिए, सर्विस की प्राप्ति के लिए, तो उसको कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यहां पे इस एक वर्ड को देखते ही पता चल गया आंसर क्या होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अनडूइंग। अनडूइंग का मतलब क्या होता है, अनडू। अनडू का शॉर्टकट कंट्रोल जेड, अनडू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल जेड, ये रहा कंट्रोल जेड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाइल वर्किंग इन एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल यू गिव ऑन अ यूएस कीबोर्ड लेआउट टू अंडू। अब मैंने ये कंफ्यूज करने के लिए बनाया है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि अंडू बताओ किससे होगा, और पूरे वर्ल्ड के कीबोर्ड सेम होते हैं, कंट्रोल जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल वर्किंग इन एमएस वर्ड 2019 Which of the following shortcut may be used to align the text to center? अब ये भी उसने जानबूझ के दिया है 19, यहाँ पे चाहे 19 लिख दे, चाहे 7 लिख दे, कुछ भी लिख दे, शॉर्टकट हमेशा सेम ही रहेंगे। अलाइनमेंट करनी है, अलाइनमेंट किसकी करनी है, सेंटर अलाइनमेंट, और सेंटर अलाइनमेंट के लिए क्या शॉर्टकट होता है, कंट्रोल प्लस में ई।
अलाइनमेंट होता क्या है समझो। चार प्रकार का अलाइनमेंट होता है, ये लेफ्ट साइड से अलाइंड है, इस इसको बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। ये राइट साइड से अलाइंड है, इसको बोलते हैं राइट अलाइनमेंट। इसको बोलते हैं सेंटर अलाइनमेंट। ये दोनों तरफ से है, इसको बोलते हैं जस्टिफाइड अलाइनमेंट। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस में एल, इसका शॉर्टकट होगा कंट्रोल प्लस में आर। सेंटर का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस में ई, जस्टिफाई का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस में जे। ये चार प्रकार के अलाइनमेंट हैं। इसने सेंटर का पूछा कंट्रोल प्लस में ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर ओपनिंग हेल्प, हेल्प के लिए एफ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर प्रीव्यूइंग द पेज बिफोर प्रिंट, यानी सिंपल सी बात क्या पूछ रहा है कि प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है। प्रीव्यू का मतलब प्रिंट निकालने से पहले देख लो कि प्रिंट निकालने के बाद कैसी मिलेगी फाइल, कंट्रोल प्लस में F2, कंट्रोल प्लस में F2। नेक्स्ट, विच कंपनी मैन्युफैक्चर द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। तो यहां से दो क्वेश्चन जानने को मिले कि अगर आपसे ये पूछे कि दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, 4004, ठीक है, कौन सी कंपनी ने बनाया, इंटेल ने बनाया दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004, इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया। ठीक है, समझ में आ गए यहां तक के सारे क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना काफी है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।